देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। मालेगांव शहर किला पुलिस स्टेशन में कई महीनों पहले कार्रवाई में गैस के कई सिलेंडर पुलिस ने जब्त किए थे, जिसका पंचनामा किया गया, जिसकी केस नोन हुई, जिसकी एफआईआर हुई, लेकिन ये सिलेंडर कई दिनों से अभी तक किला पुलिस स्टेशन में क्यों रखे हुए? ये सिलेंडर सबके सब भरे हुए सील पैक सिलेंडर है। क्या पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर कर्मचारी की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? इन सारे भरे हुए सील पैक सिलेंडरों का अभी तक विलेवाट क्यों नहीं किया गया? सरकारी गोडाउन में जमा क्यों नहीं करवाया गया? किला पुलिस स्टेशन में कर्मचारी को बैठने के लिए भी जगह नहीं है, सिलेंडरों के बीच में कर्मचारियों को बैठना पड़ रहा है। वहां पर अगर शांतता कमेटी की मीटिंग ली जाए, गणेश विसर्जन के संदर्भ में मीटिंग ली जाए, तो बैठने के लिए भी जगह नहीं है। वहां पर खुद पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस कर्मचारी जो लोग ड्यूटी करते हैं वो भी इन सारी परसारों से तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। वो खुद भी जल्द से जल्द इसका विलेवाट चाहते हैं। दोनों सिलेंडरों के बीच में ये शहर मालेगांव का तलाटी कार्यालय, ये कार्यालय 2 महीने से बंद है। इसका मतलब यह है कि इसको वहां से इसका दफ्तर उधर शिफ्ट कर दिए संगमेश्वर में, और इनका कहना है कि तुम्हारे कामकाज संगमेश्वर में लाओ। हमने इसके वास्ते डिमांड किए थे कि किला पुलिस स्टेशन को यहाँ पे जगह कम पड़ती। मैडम को बताए थे उप जिला अधिकारी को कि भाई ये जगह एक तो किला पुलिस स्टेशन को दे दो। जब किला पुलिस स्टेशन को नहीं दिए, 2 महीने से बंद रखे, इधर के लोगों को उधर जाना पड़ता, बेहद तबलीग है। वो बोलते हैं ना सिंगल फेज के ऊपर 3 फेज का लोड डाल दिए, इसको फिर वो तहसील कार्यालय में शिफ्ट करना चाहिए था, करना ही था, तो काय को संगमेश्वर में जोड़े। हालात ऐसे है गांव के कि लोगों को चलने पे रास्ता नहीं है। अभी यही बाजू में किला पुलिस स्टेशन है, किला पुलिस स्टेशन के हालात ऐसे है कि अधिकारी वर्ग जो है बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कर्मचारी ज्यादा है, फिर भी किला पुलिस स्टेशन में बैठने के वास्ते जगह नहीं, खड़े रहने के वास्ते जगह नहीं। बाहर जो चोरी का माल जब्त किया हुआ है वो सब मोटरसाइकिल लगी है क्या? रास्ते के ऊपर पब्लिक प्रॉपर्टी है। रही बात अभी 1 महीना पहले 30 गैस सिलेंडर जब्त करके लाए किला पुलिस स्टेशन ने, वो सिलेंडर अंदर ही है। गुनेगार किस्म के लोग कभी भी इस शहर के अंदर पकड़े जाते हैं, कुत्ता गुली वाले बोलो, दारू वाले बोलो, एकांधे ने अगर उसका सील खोल दिया, अगर एकांधी बीड़ी काड़ी डाल दे वो सिलेंडर के ऊपर, तो ये इलाके का क्या होगा? कर्मचारी की जान धोखे के नहीं, पूरे इलाके की जान धोखे में। फिर भी सोचने को मजबूर करना चाहिए, हमने बोलना चाहिए, फिर इन्होंने सोचना चाहिए, ऐसे मेरे ख्यालात नहीं है। इन्होंने सोच के उसको ताबड़तोड़ शिफ्ट करना चाहिए, और किला पुलिस स्टेशन में वो सिलेंडर रखना मुनासिब नहीं है। कल 3 किलो गांजा पकड़े, पंचनामा करने के वास्ते नायब तहसीलदार को आधा घंटा रुकना पड़ा, और हमारी मीटिंग मुकर्रर किए थे गणपति की, बैठने के वास्ते जगह नहीं। ऐसा पुलिस स्टेशन मेरे को नहीं लगता कहीं पे मालेगांव में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर होएगा। मालेगांव में तो नहीं जी, मगर महाराष्ट्र में होएगा। ये पुलिस स्टेशन को गोडाउन बना डाले, हकीकत बयान होना चाहिए इसकी। और ये देखो यहाँ पे रास्ता दोनों बाजू से एकदम कम हो जाता है, इधर से आने का जाने को रास्ता नहीं रहता। रास्ते के ऊपर ही अभी वो तलाटी कार्यालय आपने देखे, वहां पे किस किस्म के पर्दे लगे हैं, किस किस्म के टपरी लगी है, जैसा कोई मंडप डाल के बैठा है, कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं। गणपति नहीं तो करते, मगर रोज गणपति का जुलूस निकलता है इस मालेगांव शहर में, ऐसे हालात हो गए, चलने को रास्ता नहीं। निकाला जा रहा है, निकाले जा रहा, मगर दिए के नीचे अंधेरा है, वो कौन देखेगा? अतिक्रमण निकालना बात और है। मैं बोलता ये पीआई साहब को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा काम कर दिया कि वो सब्जी मंडी जो थी बाहर बैठे वो साफ कर दिया, मगर उनके बाजू में क्या है उसके ऊपर क्यों तवज्जो नहीं करते? वो एक काम अच्छा कर दिए, मगर ये तो उनके बाजू में है ना, उन्होंने सोचना चाहिए ना। अभी देखो यादा रोड तो पूरा जाम है ना,
यहाँ तक आ गया ना, इतना ही रोड बचा है। ये 60 फुटी रोड में 20 फुट रोड बचा है, इसमें और कोई बीच में गाड़ी आ गई तो पब्लिक को जाने को रास्ता नहीं रहता, एकदम कंडक्टेड हो गया यहाँ पे। वो बाजू से देखेंगे तुम तो और सवेरे तो एकदम जाम हो जाता स्कूल छूटने के बाद। ये देखो ना कैसे मंडप लगे, हालात बहुत खतरनाक है आगे। क्या डिमांड है? अरे डिमांड एक है कि पब्लिक को सुकून रहे, पुलिस को भी कोई सोचने पे। हम इसलिए बोल रहे पुलिस के बारे में कि पुलिस के कोई है क्या नहीं कीमत, उसको कोई सहूलियत है क्या नहीं, उसको बाथरूम होना टॉयलेट होना ये सब कुछ नहीं है। लेडीज पुलिस यहाँ पे आती, उनको कोई व्यवस्था नहीं है। कई दिनों से हम बोल रहे हैं कि ये पुलिस स्टेशन का विस्तार करो, कहने का मतलब है कि इसको महानगर पालिका में शिफ्ट करो। पूरी महानगर पालिका की पूरी बिल्डिंग नीचे की खाली है, 5 कंदील की बिल्डिंग खाली है, वहां पे कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। मगर सरकार की सोच कैसी रहती, नया बनाने का, नया बनाने का मतलब उसके अंदर सब नया काम बताते, जो है उसको यूज करो ना, वो भी तो सरकार का ही है ना, उसको क्यों यूज नहीं करते। इसको तो कॉर्पोरेशन में शिफ्ट होना चाहिए था अभी तक ये पुलिस स्टेशन। और कितने हाथ है इसकी, चंदनपुरी तक हाथ है, इधर कहाँ तक हाथ है, चौपुली तक हाथ है किला पुलिस स्टेशन की, इधर इस्लामाबाद है, आए तुम्हारे समझ में। बहुत बड़ा एरिया उसके वास्ते कवर करना पड़ता, और हालात कभी कभी ऐसे बिगड़ जाते कि रस्ते पे ऊपर पब्लिक जमा हो जाती। मामूली सी बात हुई ना तो 1000-2000 लोग जमा होना कोई बड़ी बात नहीं है, आते क्यों वो जान दो, मगर वो दिखावा रस्ते पे हो जाता ना, रस्ते पे दिखा हो जाने से कुछ मिनट के वास्ते कुछ घंटे के वास्ते ऐसे हालात बन जाते कि भाई क्या हुआ, हर कोई गुस्सा क्या हुआ। ये पूरा इलाका गुड़ बाजार, सब्जी बाजार, दाना मार्केट, किराना की दुकान, बराबर है, बर्तन बाजार, फुलार बाजार, ये पूरा इलाका बाजार का इलाका, बाजार का इलाका है। पूरे इलाके में यहाँ लोग रिक्शा पे, टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर पे आते हैं, लेकिन कई गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग जगह नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था इसीलिए नहीं है, यहाँ पे 21 जगह पार्किंग मंजूर है, मगर कारपोरेशन की दानत ने उस जगह के ऊपर पार्किंग करने की। तुम ऐसे ही रहो, ऐसे रहेगे तुम तो बने रहेगे, ऐसा ये बने रहेगे कारपोरेशन वाले, इनकी सोच ऐसी बना ली है इन्होंने, इनकी सोच बना ली है। और हर काम के वास्ते कोर्ट जाना पड़ता, कोई भी मसला रहे तो हाई कोर्ट जाएगी, जब उसका मसला हल होता ना। इनको मामूली अभी क्या पार्किंग के वास्ते उधर 21 जगह की पार्किंग मंजूर है, इसका लेखा जोखा मेरे पास है। कांबड़े साहब आए थे, उन्होंने 21 जगह पार्किंग मंजूर किए, महानगर पालिका है ना, महानगर पालिका को तो पहले पार्किंग व्यवस्था करना चाहिए, और जानबूझ के नहीं करते। और तुम एक पत्रकार है, तुम इस बात के गवाह है, तो पार्किंग है भी नहीं। और हालात कभी कभी अभी आयुक्त साहब ने आह्वान किया 7000 उपाय म्हणून खबरदारी घ्या, अरे तुम्ही गलती कर रहे ना। मालेगाव शहर के अंदर साथी का मौत का कुआ तो इन्होंने सांडवे पुल पे खड़ा कर दिया है, वो टेम्परवारी मेरे को बोले थे टेम्परवारी बनाने का है, उसमें जाके देखो आज भी कैसे हालात बने। जान बुझ के कारपोरेशन पब्लिक को तकलीफ हुए ऐसा काम करती है।